सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। बाकी अभी मैं हूँ ऋषिकेश और मैं 20-25 दिन यहीं पर रहूंगा, तो भाई डेली ब्लॉग आएंगे। तो मैं रह रहा हूँ, ये मंदिर है, मंदिर के अंदर रह रहा हूँ और मेरे को पड़ा है 20 दिन का 6,000 रुपये। हालांकि 500 रुपये रेंट है, बट मतलब पापा जान, कोई जानकार था पापा का। और दूसरी चीज़, मेरे को इसमें सस्ता भी मिल जाता, बट क्या कहते हैं, मतलब 6,000 में पूरा महीने के लिए मिल जाता इससे बढ़िया। हालांकि ये मंदिर है, तो बस एक चीज़ ये अच्छी है मेरे लिए कि हाँ, मैं मंदिर में रह रहा हूँ और डेली जो है पूजा हो जाती है, पूजा कर लेता हूँ सुबह उठते ही। और मैं अकेले रह रहा हूँ, कोई है नहीं यहाँ पे जानने वाला कोई भी, तो देखता हूँ अकेले कैसे रहते हैं। कपड़े वपड़े सब मेरे को खुद ही धोने पड़ेंगे। तो ये मंदिर है, बाकी अभी मैं जा रहा हूँ भाई। रहेगा भंडारा, रहेगा भंडारा खत्म हो गया। कब हुआ था? कल रात को। अरे यार मिस कर दिया मैंने, वरना चल रहा पैक करा लेते यार। मैं, मुझे 20-25 दिन रहना है। हाँ कोई नहीं यार, सेट हो गया। तो अभी तो यार यहाँ पे बाल काटने वाला कहाँ पर है नहीं पता। तो अभी भाई मैं ये दाढ़ी कटवा रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ही मतलब ठीक है, ज़्यादा लंबी रखने को मैं रख सकता हूँ, सही भी लग रहा हूँ, बट बिना उसके मैं शेव दाढ़ी के कैसा लगता हूँ। दाढ़ी भी नहीं है भाई, बाल हैं, और ये भी शायद नहीं आते, मैं विदाउट ही पसंद करता हूँ भाई। नेट कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट मिलूंगी, धर्मा के नाम से डिबेट बोलेगी, जे करेगा तरक्की तू हेट मिलेगी। हालांकि भाई मैंने तरक्की करी नहीं, बट फिर भी अभी से हेट मिल गई मेरे को शुरुआत में ही, जबकि अभी कुछ करा भी नहीं मैंने। तो मैं रह रहा हूँ त्रिवेणी घाट की तरफ, ये त्रिवेणी घाट का मार्केट वगैरह एरिया है। और अभी देखता हूँ, अभी मेरे साथ मतलब पापा रह रहे थे 4-5 दिन, तो उन्होंने ही मेरा खर्चा उठाया खाने वाने का, आज पापा चले गए। अबे यार भाई हॉर्न डाल दो भाई मेरे उस पे, भैंस की आँख। यहाँ कम से कम 3-4 लोगों से पूछो, एक से मैंने पूछा तो वो कहता कि इस तरफ है हेयर कटिंग वाला। अब मैंने इस फल वाले से पूछा तो कहता इस तरफ तो है ही नहीं जी, नीचे की तरफ जाओ। और अभी तीसरे बंदे से पूछा तो कहता इस तरफ है जी, इस तरफ चले जाओ। तो भाई अब मैं लास्ट विश्वास करके इस बंदे पे जा रहा हूँ जो लास्ट वाले ने मेरे को बोला कि यहाँ पे कटिंग मिल जाएगी। तो देखता हूँ यहाँ पे, मतलब ये है भाई होशुड़ी का, नहीं पता तो भाई बोल दो, पर नहीं भाई वो बनना है। मैडम नहीं होती थी कि किसे आंसर पता है वो हाथ खड़ा कर दो, हाथ सब खड़े कर देते थे, बट उसमें से एक बहुत सारे भोसड़ी वाले निकलते थे जिन्हें आंसर नहीं पता रहता था। तो यही वाला सीन है यहाँ पे। तो भाई मैंने तीसरे वाले बंदे के मार्गदर्शन पर फॉलो करके मैं पहुँच गया, ये रहा भाई, मिल गए कटिंग वाले। ये अगली ट्रिमर है आप पे, तो अभी यहाँ पे आ गया भाई। भैया 30 रुपये मांग रहे हैं ये करने के। अंकल जी मेरे ब्लॉग को हाय बोल दीजिए। हाय के भाई, कितना गोरा लग रहा हूँ मैं, बहुत ही, तभी मैं दाढ़ी ये जब कटाता हूँ बहुत ही गोरा लगने लगता हूँ, अंग्रेज फेल कर देता हूँ कभी कभी, है ना भाई। यहाँ पे है कि आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हर चीज़ में आपको नॉर्मल रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अगर बुरा हो रहा हो आपके साथ, चाहे अच्छा हो रहा हो, तो नॉर्मल रहो हर चीज़ में भाई। जैसे यहाँ पे आग लग रही है, आग लग रही है यहाँ पे जैसे, तो मुझे फ़र्क नहीं है कुछ भी, मैं नॉर्मल हूँ। गाइज वेलकम टू द मीठा व्लॉग, और भाई ज़्यादा ही बोला, ज़्यादा ही वो हो गया पूरा। अभी बाकी मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी घाट पे। सुबह से कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ फल वगैरह खाए थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि आज पापा को जाना था और वही फल वल उन्हीं के साथ खा के घर पे आया, फिर नहा, अभी मतलब आराम करके फिर नहा लिया। और पहले मैं सोच रहा हूँ कि खा लेता हूँ कुछ। ये है सामने त्रिवेणी घाट जाने का रास्ता, ये यहाँ पे गेट बना हुआ है, ये है राजस्थानी मिष्ठान भंडार। और भाई इससे हमने 3 या 4 दिन खाया था पापा और मैंने, और भाई बढ़िया देता बहुत ही खाना वगैरह, एक नंबर। तो भाई इन्होंने पर्ची दी है, पैसे दे के पर्ची देते हैं भैया। ये लो, कौन सी वाली है इसमें, समोसा की, एक समोसा और एक ढोकला करवा लिया, क्योंकि मैं अभी वैसी डाइट नहीं खा रहा जो मतलब मोटा करे। हाँ क्योंकि भाई अभी वैसी डाइट नहीं चल रही, मतलब कि जैसे मोटा वोटा, जैसे द, 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 बटर हो गया और बटर रोटी हो गई, ये सब बटर वाली आ रहा है। टूटा हुआ, टूटा हुआ है भाई, जैसे वो दिल तोड़ के चली गई वैसे ये समोसा भी टूट ही रखा है, भैया बोल रहा है। तो भैया ने ढोकला दे दिया और ये काफ़ी खोखला है अंदर से, बाहर से यार यहाँ पर टाइम लग गया, ढोकला तो मिल गया, बाकी समोसा कह रहे हैं 10 मिनट लगेगा, बट मेरे को पहले नहीं बताया पर्ची काटने से पहले, अगर पर्ची काटने से पहले बताते तो मैं भाई नहीं लेता समोसा। बाकी भाई पूछ रहे हैं कि कचौड़ी ले लो, मैं मुझे लगा टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं, बट भाई वो पैसे की थी।
भाई जलेबी टेस्ट हो जाएगी, एक टेस्ट करवा देना। खाली करूँ थोड़ी सी चाहिए बस। अगर कैमरे पे बोलूँ तो इंसानियत दिख गई भाई की, बाकी मैंने जो मांगा वो मेरी भूखमरी थी क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैंने अभी उनसे खुद फ्री में मांगा, ये कसम से ये फ्री में मांगा मैंने उनसे खुद। भाई समोसे में रुकावट दे दी आंटी जी ने। आगे भाई समोसे। भाई 15 मिनट हो गए वेट करते हुए, ये देखो भीड़ होने लग गई अभी से, 5 बज गए। दिल्ली वाला हाल हो गया इसका भी। तो ये दूसरा गेट त्रिवेणी घाट जाने का, यहाँ एक गेट वो दिखाया था, दूसरा गेट ये है। ये है मेन मार्केट त्रिवेणी घाट का। बाकी मैं शाम को चाय वगैरह पी रहा था 2-3 दिन, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे छूट गई, सैटरडे छूट गई और आज है संडे। तो संडे को मैंने पी नहीं, संडे सॉरी आ जाए तो मैं सोच रहा हूँ पी लूँ। अबे यार समोसे तो यहाँ पे भी मिलते हैं, मैं भूल गया समोसे का, वरना यहीं से ले लेता मेरा टाइम बच जाता। टाइम क्या, मैं तो यहाँ 25 दिन हूँ तो टाइम की तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी घूमूंगा 25 दिन में देखता हूँ। हाँ भाई व्लॉग में बने रहना भाई, एक भी चीज़ मिस मत करना। ये शायद जानने वाले हैं, देखो मेरे 2 बंदे जानने वाले हो गए। नमस्ते। देख नहीं, देखा नहीं शायद। एक ये भैया देखो, अब यार जान भैया प्लीज़ कैमरे में बेइज्जती मत करो। एक भाई ये चाय वाला है, यहाँ पे चाय पीता हूँ बट ये 15 रुपये की देता है। अरे भाई देख तो ले, पानी मार दिया पैर पे, पानी मार दिया। और भाई ये देता है 15 रुपये की चाय, बाकी वैसे मिलती है 10 रुपये की। तो मैं सोच रहा हूँ इसे ना लूँ, 10 रुपये वाली ले लूँ, क्योंकि भाई 5 रुपये भी बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेला रह रहा हूँ और ना कुछ कमा रहा, ना जॉब है ना कुछ भी है, घर वाले भाई पाल रहे हैं तो उसका है तो घर वाले पे, बट ये नहीं कि भाई उनका फ़ायदा उठाऊँ मैं घर वालों का। तो जितना लिमिटेड में रहेगा रिसोर्स मेरे उतना सही है अभी के लिए, एक आध हफ्ते के लिए। एक हफ्ते पैसे बचाए 10-10 रुपये, फिर एक अच्छा खाने में रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊंगा। ये भाई गणेश विसर्जन है, ये त्रिवेणी घाट है, ये देखो कर दिया गया विसर्जन, कर दिया विसर्जन। लेट हो गए गाइस आप? नहीं अभी हो रहा है, तो अभी छोटी मूर्ति चाहिए। इन्हें भाई शायद उसमें मिला है, हटना भाई ये तुम्हें उसमें मिले हैं नदी में। हाँ। इतने सारे भाई सोना भी मिलता है चांदी में, कसम से कल से भाई मैं नदी में मिला चांदी का। कितने? सांप चांदी का, सांप चांदी के सिक्के, सांप सांप। अरे भाई कहाँ, वीडियो में? मैं सोच रहा हूँ कल से मैं भी यहीं पे डुबकी लगाना स्टार्ट कर दूँ। मिल जाएगा मेरे को? किस टाइम जाते हो भाई? कितने दिन रहोगे? मैं तो अभी 20-25 दिन हूँ। ये क्या? अच्छा ये सांप चांदी का है? हाँ। अच्छा ये कह रहे हो, सही यार। भैंस की आँख अभी फिसलता। मैं तो भाई दिल्ली से हूँ, अभी स्टार्ट करा है मैंने, 20-25 दिन यहीं पर ही हूँ। मैं नोएडा NCR में पढ़ता है मेरा। मैं गीता कॉलोनी कितने बजे वो लगाते हो डुबकी? तो कल से भाई मेरा काम है, चैलेंज होगा आपसे, 10 दिन चैलेंज करूंगा। हालांकि मेरी जेब में पैसे जाएंगे बट इसे मैं चैलेंज का नाम दूंगा। आप कब करोगे बताओ, कब करोगे? कल कितने बजे आते हो? अभी आ जाओ, तो आते होंगे अंग्रेज शाम को। हाँ भाई तो मैं एक बार अंग्रेज आए थे, मैं उसको डांस करवा रहा था। 300 रुपये लो ना, मैं नहीं देते हूँ, मतलब कि वैसे 20-30 रुपये बड़े आराम में होते हैं, थोड़े बहुत सही भी रहते हैं। पर बोला 100 रुपीज़। हाँ नो, मैं यहाँ निकल के ये इस पर आ जाते हैं। तो भाई अभी गणेश विसर्जन हो रहा है, ये देखो जा सकते हैं। वाली होगी एक दो हफ्ते में। ओए ओए वो किस जगह है, वो कहाँ पर है? नीलकंठ की तरफ, यहाँ पे पहाड़ पे जा सकते हैं, जाऊंगा। गणपति बाप्पा मोरिया। ये भाई गणेश जी का विसर्जन होता है। चीन के ले गया
अच्छा उसने कर दिया खुद ही। ओ भाई साहब सही यार, स्विमिंग आ जाएगी यहाँ पे डेली आओगे तो। है बढ़िया है। अब वो मूर्ति मुझे लग रहा है शायद क्या ले लेगा या बेच देगा। छोड़ दी। अच्छा मैं भी करता हूँ पर मैंने कपड़े अभी ना लगाए। इसने अपना मछली वाला दे दिया, मतलब बेच दिया ने, तो कह रही है अब किसी से मत लो, किसी से मत लो। ये लड़की हाँ वो मछली का, पर मछली होती भी है यहाँ पे अभी तो यहीं पर ही। वही तो अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी शाम को 6:40 पे स्टार्ट हो जाती है आरती। और भाई लोग जो है यहाँ पे आपको वो मतलब पूरी भीड़ भीड़ हो जाएगी। हाँ नहीं देख रखी है मैंने तो। हाँ तो यहाँ पे अभी देखो सामान मतलब जो भी है पूजा के लिए, जो भी मतलब वो होते हैं आरती के लिए, तो अभी ये रख रहे हैं। और फिर यहाँ पे भाई अभी से लोग बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें सामने से व्यू दिखता है। गंगा आरती तो वहाँ होगी ना, उसके तरफ यहाँ पे होगी आज। अच्छा पानी ये आ गया इसलिए, वरना पानी अभी यहाँ तक था है ना, अभी तो एक दो दिन में गए, वरना वहाँ पे हो रही थी आरती है ना, तो आज यहाँ पे होगी। तो यहीं पे मैं सोच रहा हूँ आगे बैठ जाऊँ क्योंकि भाई 5:30 या 6 बजे आओगे तो सब घेर लेते हैं। आगे बैठने के लिए, आगे बैठने के लिए ऐसा तो नहीं यार, पता नहीं देखता हूँ मैं बैठ जाऊँ, वरना वहाँ तो बैठने ही देंगे उस तरफ, तो थोड़ा पीछे। भाई मुझे मेरे दोस्त ने 500 रुपये दिए हैं चढ़ाने के लिए, अब चढ़ाऊँ ना चढ़ाऊँ समझ नहीं आ रहा, या मैं रख लूँ। मजाक कर रहा हूँ, चढ़ाऊँगा यार, गलत काम नहीं करता मैं कभी। पंडित जी, पंडित जी एक सेकंड आना, इधर 500 रुपये मतलब पर्ची कटवानी है 500 रुपये की, कहाँ कटेगी? अभी स्टार्ट हो गया कटवाने के लिए, हो गई स्टार्ट मतलब बैठना नहीं है, देने है। हाँ आगे की तरफ चलो। तो भाई ये प्रथम मतलब जो मेरा दोस्त है उसने दिए थे चढ़ाने के लिए, भाई चढ़ा दिए मैंने 500 रुपये, कहीं सोचे कि चढ़ाए नहीं। आ जाए 24। हाँ हाँ अकेला हूँ मैं, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ आगे। अच्छा पूजन भी होगा इसके साथ, ठीक है बैठोगे आगे। तो भाई अभी चाय ले ली, बाकी पर्ची कटवा ली, और ये भाई हैं यहाँ पे अभी चप्पल जमा करा रहे हैं, यहाँ पे फ्री में जमा होते हैं ना। तो हुआ क्या, उसने मेरा नाम पूछा, मेरा एकदम अभिषेक निकल गया, उसका नाम लिखवाना था मेरे दोस्त का, बट उसका भी लिखवा लिया। पर्ची कटवाई, आगे बैठेंगे ठस्से में उसके नाम से कटी है बट दोस्त तो मेरा ही है। तो भाई गलती से मैंने अपना नाम लिखवा लिया पहले, क्योंकि मेरे को एकदम उन्होंने पूछा क्या नाम है, तो भाई अभिषेक निकला, मुझे तो याद नहीं उसका लिखवाना था मेरे को, बट कोई नहीं उसका भी लिखवा लिया मैंने। आगे आगे बैठेंगे ना भाई, पर्ची कटवाई है, आ जाओ। ये देखो भाई पावर है अभी हमारे पास, अब आगे से बैठेंगे, बीच में बैठे या फिर आगे, यहाँ पे या बीच में सही रहेगा? नहीं सही है। तो भाई अभी आरती स्टार्ट होगी और यहाँ पे 14 पंडित रहता है इधर लाइन से, और फिर आरती स्टार्ट होगी 6:50 पे, और सामने ही वो है वहाँ पे हाथी वाती आ जाते हैं ना उस जंगल में, वो जो सामने है। तो भाई अभी पूजा होगी जो जो पर्ची कटवाते हैं, तो भाई आज VIP, पता नहीं VIP फीलिंग आ रही है भाई यहाँ के, मतलब पीस है क्योंकि वैसे दिल्ली में रहता हूँ तो वहाँ ना काफ़ी मतलब भागा दौड़ी है, बट यहाँ की जो लाइफ है। आ जाओ, तो अभी भाई जा रहा हूँ। हाँ 192 मैं आ गई वापस। वाह बहुत बढ़िया, ले लो लो जी लो, फाइनली चप्पल ले ली, भीड़ भाड़ से निकल गए, अब जाते हैं देखते हैं कुछ खाते हैं, वरना से निकलना। ये माला है
बाकी अब देखते हैं। तो अभी भाई जा रहे हैं, कुछ खाते हैं, फिर देखता हूँ क्या करेंगे।